चेंजेस क्या है इसको शिफ्ट करने के, शिफ्टिंग एपी विल ऑल्टर द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अगर आप किसी भी अलग कॉन्शियस लेवल पे हैं जहां पे आपको लगता है कि सारी दुनिया, मैडम ये आपने सिखा दिया कि अभी सिखा रही है। सर मैंने थोड़ा सा पहले सिखा दिया लेकिन आज मैं पूरा प्रोसेस आपको सिखा दूंगी, डोंट वरी, आज आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसके। नहीं, अभी नहीं कुछ किया। आपकी ओके ह्यूमन ओके कॉन्शियसनेस बेटर बेटर हो जाती है, एकदम सही हो जाती है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर हमारे साथ हीलर बनना चाहते हैं, राइट? एम आई राइट? आप सब लोग बनना चाहते हैं ना हीलर? अगर आप सब लोग हीलर बनना चाहते हैं तो आपके खुद की भी एक कॉन्शियसनेस बिल्कुल सही रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस अलाउ करती नहीं है हम सबकी हीलिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना बीपी जी। बीपी ऊपर जाता है तो उसमें कहाँ जाती है ये एपी ऊपर पॉइंट? जाएगी, बीपी ऊपर है तो ऊपर जाएगा पॉइंट, बीपी नीचे है लेफ्ट तो नीचे में, पॉइंट, लेफ्ट में ऊपर जाएगी कि राइट में ऊपर जाएगी? दोनों में ऊपर ही जाएगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। सेंट्रल पॉइंट से ऊपर जाएगा तो बीपी हाई, सेंट्रल से नीचे जाएगा तो बीपी लो। ओके ओके जी तो ठीक है। द सेंट्रल लोकेशन इज बेनिफिशियल फॉर मेंटल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस अवर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड द वर्ल्ड एट लार्ज एंड कैन इम्प्रूव अवर फॉर्चून ऑल्सो। हमारी कमाने, पता है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं जैसे मैं, आप जिनकी भी मैंने हीलिंग करी, अब आप देखिएगा आपका ना दिमाग कमाने के लिए ना ज्यादा चलेगा, आपका दिमाग टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर, टुवर्ड्स हाउ यू कैन यू नो, क्योंकि जब आप बैलेंस हो जाएंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका बेहतरी किसमें है, आप जो स्टेप ले रहे हैं, आपके जो डिसीजन है वो सही है या नहीं, आप उसको अच्छे से गेज कर पाएंगे। योर कैपेसिटी टू अर्न विल इंक्रीज। बट बिजनेस अब हम अर्निंग मेंबर होने भी तो चाहिए, वो तो हस्बैंड्स होते हैं तो फिर देखिए हम। नीना जी, ये आप अभी कह रही हैं लेकिन हो सकता है कि आपके डिसीजंस, आपके जो भी अर्निंग मेंबर है उसको अफेक्ट करे और फिर वो ज्यादा अर्निंग शुरू कर दे। देखो देयर आर मेनी वेज मनी कैन कम टू यू, इट्स नॉट दैट यू आर वर्किंग, है ना? तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई आप ऐसा डिसीजन ले जिससे आपके पास अच्छा पैसा है, आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी टुवर्ड्स मनी ऑल्सो। देन सेंट्रली अलाइन असेंबलेज पॉइंट प्रॉस्पर इन हेल्थ परफॉर्मेंस एंड सक्सेस। द एवरेज पर्सन लोकेशन इज टू द, देखिए जो एवरेज इंसान है, आज मैं भी हूँ, मैं एक बहुत एवरेज हूँ, आई एम नॉट सो ग्रेट, लेकिन क्योंकि मेरी हमेशा मैं कैसे पे, अच्छा एक चीज और एक ट्रिक होती है कि आपको देखना है ना कि इंसान जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि वो किस लेवल पे है, नहीं ये ट्रिक है। आप उसका असेंबलेज पॉइंट देखिए, एपी पॉइंट देखिए कहाँ पर है, अगर उसका एपी पॉइंट कहीं ऊपर नीचे है ना, आप बहुत जल्दी से पहचान जाएंगे इंसान कहाँ स्टैंड कर रहा है, आपको सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और जिसका सेंट्रल में है, जो एवरेज इंसान है जो ठीक होता है, जो थोड़ा सा राइट में होते हैं उनका, ठीक है वैसे तो हमारा सेंट्रल ही होना चाहिए, लेकिन बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से, तो थोड़ा सा ना वो राइट में आ जाता है, तो हम जो एवरेज लोग है ना, ठीक है उनका थोड़ा सा राइट में होता है, लेकिन वो होना सेंट्रली चाहिए। अगर आपको बार बार सेंट्रली अलाइन करते रहेंगे ना तो वो सेंट्रली अलाइन हो जाता है, उससे बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन आप इसकी लोकेशन से एक इंसान को जज कर सकते हो कि भैया ये इंसान कहाँ पर लाइ कर रहा है, वो हमसे सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप सब लोग ना अब अपने घर में सब हर किसी मेंबर की एपी पॉइंट डिटेक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे लास्ट क्लास में कराया था, अभी मैं थोड़ी देर में और दोबारा बता दूंगी कैसे डिटेक्ट करना है। मैम डिटेक्ट करने करेंगे, देंगे तो सब कर पाएंगे ना, ये लोग तो भागे भागे फिरते हैं सब। नहीं, तो आप डिस्टेंट करिए ना, मैंने कौन सा आपके पास आके करी अच्छा थी तो आपकी, मैम ये लोग दिखाई ये भी नहीं आना दे, ऊपर हमें होगा तो लाइव झूठ बोलता करके है, करेंगे। नीचे होगा तो झूठ बोलता है। हाइपर एक्टिव है मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहा है अच्छा मैम, और लोअर होगा बुद्धला तो झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बिल्कुल मैम। ओके। जी तो ये क्या बोलते हैं, विजुअल करके कर सकते हैं ना, मतलब हाँ ऐसे? हाँ मैं अभी बता रही हूँ, डिस्टेंट ओके करके ओके करेंगे, मैम, ठीक है ना, डिस्टेंट ही है मैम, करेंगे। ठीक। और मैम अगर अगर एक आपको बार, कोई सामने फेस टू फेस, जी मैम एक बार अगर किसी ने करी, अगर हमने उनको डिटेक्ट कर लिया तो हम उसको हील भी कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स डिटेक्ट करके हमें हील ही तो करना है। देखिए मैम हमको उसका इफेक्ट आएगा क्या कुछ वैसे तो एपी हमको? पॉइंट तभी हिला सकते हैं जब किसी की परमिशन हो, आप बिना किसी वही की परमिशन के बिल्कुल ना डिटेक्ट तो कर सकते हैं कि कहाँ पर है, लेकिन हिला नहीं सकते। मैम, क्योंकि हमें उसकी हिलाने के एलिजिबिलिटी लिए आएगी। आपको उनके साथ की जरूरत होगी, चाहे डिस्टेंट भी कर रहे हैं तो आप फोन पे बात करेंगे उनसे, फोन पे बात करते करते करेंगे उनकी। अच्छा मतलब एक तरह से किसी मतलब या तो हम टॉकिंग में हो, किसी से बात कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में यस भले यस कंसेंट हो नहीं हो पर हम। नहीं, कंसेंट होना चाहिए क्योंकि उनको साथ देना पड़ेगा। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, उनके साथ के बिना अच्छा एपी पॉइंट हिल ही नहीं सकता। ठीक है मैम।
ठीक है, फिर तो सारी सारी हीलिंग का तो यही प्रोसेस है ना मैम की कंसेंट लेके ही करनी होती है। जी जी ठीक है बच्चों का खेल नहीं है, एपी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना कंसेंट के आप उसको हिला भी नहीं सकते। ठीक है, देन शिफ्टिंग द असेंबलेज पॉइंट विल चेंज द पेशेंट्स कॉम्प्लेक्शन। अब आपको देखिए जिसका, नमिता जी मैं आपसे पूछती हूँ क्या आपके लुक्स में कुछ फर्क आया है? मैम एकदम से ब्राइटनेस आ गई है और ज्यादा ही, मतलब हम थे पर वो उतना डल हो गया था उतने दिनों से, तो हमको कुछ अभी एकदम से ब्राइटनेस और एक चेयरफुलनेस आ गई। यस, आपको उसके फेस से पता चलने लगेगा कुछ ठीक है। बिल्कुल फिजिकल एकदम अपेयरेंस में उसका जैसी सेंट्रली एनर्जीज अलाइंड होती हैं, तो आज आप लोग सब अपना जैसे करेंगे, सब अपना अपना करेंगे, तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम देखेंगे जो परसों है थर्सडे को है, कि आप सबके फेस पे एक अलग ही ग्लो होगा, एक आप नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ठीक है, रेगुलर सेंट्रल शिफ्टिंग ऑफ द असेंबलेज पॉइंट विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव मेंटल एंड फिजिकल एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इट ऑल्सो इम्प्रूव, देखिए रिफ्लेक्स टाइम, कि आपके साथ जो हो रहा है उसको समझने की, आपके जो टाइमिंग है ना गैप, जिसे जिसका गैप बड़ा हुआ होता है हम उसको क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट है ना, समझता बड़े देर में है, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्स टाइम होता है ना बहुत जल्दी हो जाता है, आप बहुत जल्दी एक्शन ले पाते हो। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, पॉस्चर्ड कॉन्फिडेंस आ जाता है, असर्टिवनेस आ जाता है। ठीक है, द सेंट्रल लोकेशन विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन ऑल्सो। आप जो भी कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में, अगर आप स्कूल में स्टूडेंट हैं आप, अच्छा ये आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, स्कूल किड्स, आज आजकल सबके एग्जाम चल रहे हैं, मैंने ही अपनी नीस का किया है, और करते ही उसको लग रहा था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा, करते ही उसके अंदर इतना फर्क पड़ गया, मतलब वैसे उसने नहीं बोला लेकिन जो नैगिंग हो रहा था, नहीं आ पा रहा, नहीं कर पाई, नहीं कर पाई, उसका ठीक हो गया एकदम। अब वो आधे घंटे से देखो नैगिंग नहीं है मेरे पास, नहीं हो पा रहा, राइट? तो इसका जो यूज है ना, मल्टीपर्पज यूज है, आप ना जाने कितने ही वे में कर सकते हो। साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है। अब साइकिक एबिलिटीज कैसे बढ़ती है? अगर आपका सेंट्रल पॉइंट में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स आपका जो सेंट्रल एनर्जी और सेवन चक्र आसे सारे के सारे अलाइंड होंगे। जब सेवन चक्र अलाइंड होंगे, आपके सारे पोर्टल्स अपने आप ओपन होंगे। भगवान ने जो ह्यूमन बीइंग को बनाया है, जितनी पावर्स के साथ बनाया है, धीरे धीरे आपकी वो पावर्स जागृत होंगी। मैडम, ये अंबर पहनने से फर्क पड़ता है, जी सर, अंबर पहनने से। वो क्या होते हैं सर, मैं समझ नहीं पा रही। अंबर एक क्रिस्टल आता है ना, मैंने आपको बताया था, मैं पहनता हूँ। अंबर, अच्छा एम्बर, हाँ एम्बर सर, एम्बर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन एम्बर जो काम करते हैं विल पावर पे सबसे ज्यादा काम करता है। एम्बर जैसे ऑर्गेनिक क्रिस्टल है, और जैसे पुरातत्व हम कहते हैं उसको, बहुत पुराना क्रिस्टल है। मैंने पहन रखा है, मैंने पहन रखा है, देखिए। जी सर काम करता है, एम्बर भी काम करता है, लेकिन ये सेंट्रली अलाइन की बात नहीं है, ये विल पावर पे बहुत ज्यादा काम करता है एम्बर, क्योंकि ये ना हर किसी चीज के अंदर लॉन्ग स्टे में काम करता है, कि किसी चीज को आपको जैसे शुरू कर रहे और वो काम बहुत देर तक चले और आप उसको बहुत स्ट्रांगली कंटिन्यू करते रहे, वो इस वे में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एम्बर। आपने बोला था हरा लाइन बैलेंस करता है ये, जी सर बैलेंस तो करेगा ही ना। हाँ वही तो। अब जी, अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये पिक्चर दिखाई थी, तो ये हमारा सेंट्रल एपी पॉइंट है, और उसके देखिए मैडम ये ये लेफ्ट जरा के आप ग्रुप में डाल देना ना इसको, सर, ग्रुप में है ये, है ठीक है, हाँ ओके। ग्रुप में है सर ये, जी मैम यहाँ से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लीजिए प्लीज, ये क्योंकि ना रिकॉर्ड नहीं वो हो रहा, नहीं, वीडियो में रिकॉर्डिंग आ रही है, जैसे हमें व्हाट्सएप पे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हम जैसे मेडिटेशन करते करते हम इसकी डेली प्रैक्टिस कर पाए। आपको मेडिटेशन नहीं, आपको हीलिंग करनी है, मैं बता रही हूँ कैसे हीलिंग करनी है। ये आपका राइट पॉइंट है, टेक्स्ट ये राइट है और ये लेफ्ट है, नहीं, मैं खुद नहीं ही, ये वो राइट होगा मैडम, हाँ 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 उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, 1 मिनट, ये लेफ्ट, हाँ ये लेफ्ट होगा। जस्ट होल्ड जस्ट होल्ड, और ये राइट। अब बस इतना ध्यान रखिए, राइट साइड पे जो ऊपर ये सेंट्रल लोकेशन है, जरा सा भी ये लेफ्ट राइट में होता रहता है तो वो एंगर इशू बढ़ता रहता है। बेसिकली हम एक्सट्रोवर्ट और होते रहते हैं, हम दूसरों पे सारी चीजें, अपना स्ट्रेस वगैरह सब कुछ
उनके ऊपर डालते रहते हैं। तो जितना भी सेंटर से ये राइट की तरफ जाता रहेगा, आप एक्सट्रोवर्ट होते रहेंगे, एक्सेस एनर्जी आती रहेगी। कि फिजिकल एनर्जी गुस्सा कब करते हैं, जब एक्सेस एनर्जी आती है तो आप गुस्सा करते रहेंगे और आप स्ट्रेस में आते रहेंगे, एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही अगर लेफ्ट में होता रहेगा तो आपकी एनर्जी डाउन होती रहेगी, आप इंट्रोवर्ट होते रहेंगे और आप ना दूसरों की जैसे सिंपथी वगैरह होती है ना, ज्यादा चाहते हैं, आपको लगता है कि दूसरों को आपके साथ सिंपथाइज करना चाहिए। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग आ जाती है आपके जैसे लेफ्ट में जाते हैं। लेफ्ट इज द लो एनर्जी एंड राइट इज द हाई एनर्जी। तो अब हम करते हैं इसको, सॉरी, लोकेशन दोबारा। अब ये टोरॉइडल स्ट्रक्चर है जो हमारा असेंबलेज पॉइंट का होता है, ऐसे एनर्जी होती है और सारी के सारी अंदर से फ्लक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एनर्जी होती है, तो ये सारी एनर्जी ऐसे जारी होती है उस पॉइंट से। ठीक है, और ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे ये एनर्जी आया हुआ है। ठीक है, और ये ना इसकी एनर्जी थियरी है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया था कि कहाँ से एंटर कर रही है और कहाँ से एग्जिट कर रही है। अगर आपकी एनर्जी टेढ़ी है, टेढ़ी तो फिर बहुत गलत होती है, क्योंकि फिर वो आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमें उसको सीधा करना है। हमें ये लोकेशन क्यों पता लगानी है, क्योंकि हमें आगे से वो पॉइंट पकड़ना है, पीछे से वो पॉइंट पकड़ के सीधा करके और उसको अलाइन करना है। इसलिए हमें फ्रंट एनर्जी और बैक एनर्जी दोनों का मालूम होना जरूरी है। ठीक है, मैम एक बार फिर से वो पिक लगा दीजिए जो हम एक मिनट लगा रही हूँ। ठीक है, जब हमने इसको मूव कर दिया सेंट्रली, तो ये सेंट्रली लाइन ऐसे हो जाएगी। मैम नमस्ते, मैम एक डाउट था। हाँ बताइए सर, नमस्ते। मैम ये जो होता है ये पेन जो आपने बोला ना, जो उस दिन हम लोगों ने टेस्ट किया वो मेडिटेशन के बाद, तब वो पेन था, अभी वो पेन नहीं है। मतलब वो जब हम टेस्ट करते हैं तभी वो पता चलता है वो जी पेन। जी जी सर, अगर आप बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे ना, हाँ, हो जाएंगे तो हाँ, आपको वो अवेयरनेस के साथ वो पेन जनरेट हो जाएगा, आप अपने उसको स्कैन करेंगे वो पेन आपको आ जाएगा। ओके ओके। और दूसरी बात है मैम, जैसे कि ये असेंबलेज पॉइंट आपने जो बताया है, इसका और ऑरा से कोई संबंध है मैडम? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। देखिए ऑरा ऑफ कोर्स कि हमारे जो ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेज है जो हमारे अंदर एंटर कर रही है और पीछे से निकल रही है, जो हमारे पूरे ऑरिक सिस्टम को बना रही है बेसिकली। दिस इज द पावर हाउस जो सप्लाई कर रही है एनर्जी टू ऑल द एक तो सेंट्रल मेरिडियन को और बाकी सारी चीजों को वहां से जा रही है। तो ये पावर हाउस समझ लीजिए, एंट्री फ्रॉम द पावर हाउस। ओके, तो हम लोगों का जो इंट्यूशन क्रिस्टल्स हम लोग पहनते हैं ना मैडम, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल इट नॉट कीप द असेंबलेज पॉइंट इन कंट्रोल और इन बैलेंस मैम? नहीं सर, देखिए क्रिस्टल, अगर आपको याद होगा मैंने हमेशा क्या बोला है, पहले आप किसी को हील कीजिए फिर क्रिस्टल्स पहनने को दीजिए। नहीं नहीं, मैंने बोला कि हम लोग जब पहनते हैं जैसे कि हीलर्स लाइक वी हैव आवर डेली, आपको मालूम है कि सबसे पहले आप अपना देखिए कि आपका असेंबलेज पॉइंट एकदम कंट्रोल में है, तब आप उस चीज से रिलेटेड क्रिस्टल फिर पहनिए। आप इस चीज से रिलेटेड क्रिस्टल पहन सकते हैं टू कंट्रोल योर असेंबलेज पॉइंट, लेकिन सबसे पहले आप उसको करेक्ट करिए, क्रिस्टल को चार्ज करिए, प्रोग्राम करिए फॉर द सेम पर्पज कि मेरा असेंबलेज पॉइंट अब यही रहे, सेंट्रली रहे, फिर उसको क्रिस्टल को पहनेंगे तो वो इट विल हेल्प। और अगर आपका जरा सा भी इधर उधर होने की कोशिश करेगा आपको पता चल जाएगा, तो यू विल डू द प्रोसेस, सेम प्रोसेस अगेन, देन उसको हील कर देंगे। ठीक है, और हील करने में 5 मिनट से ज्यादा लगते ही नहीं है। ओके, ठीक है, असेंबलेज पॉइंट को हम बहुत तरीके से हील कर सकते हैं। वैसे हम असेंबलेज पॉइंट को सिर्फ देखो, ये क्रिस्टल को एक तरीका है क्रिस्टल असेंबलेज पॉइंट को हील करने का। आप अगर सोचें तो अगर हम जो मेडिटेशन करते हैं, That is also a very good technique of aligning our assemblage point. लेकिन उससे क्या होता है, हमें नहीं मालूम होता ना हमें कितने लेवल तक करनी है मेडिटेशन जिससे हमारा पॉइंट एकदम हो जाए, राइट? तो इसलिए हम क्रिस्टल यूज करते हैं कि जिससे हमें पता चल जाए कि कहाँ है और कहाँ चला गया। हम उसको अपने हाथ से लोकेशन दे देते हैं, हम उस चीज की वेट ही नहीं करते कि भाई हम कितनी देर में होगा नहीं होगा, हम हाथ का तो उसको उठाकर कर देते हैं। ठीक है, क्रिस्टल का ये बेनिफिट होता है। क्लियर है सर? डॉक्टर रंगनाथ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
एम आई ऑडिबल? यस।